हाय फ्रेंड्स, खाना दमदार में आज की रेसिपी है आम की ताजी लस्सी। वेलकम टू माय शो, मैं हूँ टीना। तो बनाते हैं आम लस्सी। ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और इस गर्मी की मौसम में ये बहुत ही ताजगी देती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है आम लस्सी बनाने के लिए। लस्सी बनाने के लिए मैंने लिया है एक आम छोटे टुकड़ों में कटे हुए, दही, ये मैंने बाजार से मीठा दही मंगवाई है, आप चाहे तो खट्टा दही भी यूज कर सकते हैं, शक्कर एक टेबलस्पून, क्योंकि ये मीठा दही है इसलिए शक्कर एक टेबलस्पून है, शक्कर का नाप आप दही के खटास के अनुसार यूज करें, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, काजू और किशमिश थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, पुदीने के पत्ते 4 या 5 और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, 2 ग्लास चिल्ड वाटर। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट, जो इस गर्मी में बहुत अच्छा लगेगा, आम लस्सी। आम की लस्सी बनाना बहुत ही इजी है। पहले हम ग्राइंडिंग जार में सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके डाल देंगे और इसे चला लेंगे, तो बनके तैयार हो जाएगा स्वादिष्ट आम की लस्सी। पहले हम आम डाल देंगे, आप चाहे तो 2-3 टुकड़े रख सकते हैं बाद में गार्निशिंग के लिए। अब हम दही को इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, मिंट लीव्स या पुदीने के पत्ते डालेंगे 6 से 8। अब पानी मिलाएंगे 2 ग्लास, मैंने चिल्ड वाटर यूज किए हैं। अब इसे चला लेंगे। अब सारे चीजों को मिक्स करके बनाएंगे आम की मीठा लस्सी। बनके तैयार है स्वादिष्ट आम लस्सी। अब इसे सर्विंग ग्लास में डाल देंगे। तो तैयार है स्वादिष्ट आम लस्सी। इसे आप काजू किशमिश और पुदीना के पत्ते के साथ डेकोरेट करके सर्व करें। ये लस्सी आप घर पे जरूर बनाएं और अगर अच्छे लगे तो इस रेसिपी को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।